नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू सोनी अल्फाजे अयोध्या चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस तिथि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग व्रत पूजन उत्सव मनाते हैं, कई भगवान नाना प्रकार की लीलाओं को झांकी सजाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र लग रहा है। संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। आइए जानते हैं कि वैष्णव और स्मार्ट संप्रदाय में क्या अंतर है। मनाने वाले लोगों में दो संप्रदाय अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, स्मार्ट और वैष्णव। इनके विभिन्न मतों के कारण दो तिथियाँ बनती हैं। स्मार्ट वह भक्त होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। ये लोग जिस तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चन करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। उसी प्रकार से जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं, वो लोग अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में अपना समर्पित कर देते हैं। वे गुरु दीक्षा भी लिए रहते हैं और वे गले में कंठी भी धारण करते हैं। जितने भी साधु होते हैं और संतजन होते हैं, सभी वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नया अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।